हम इनकी कॉलोनी के अंदर हैं। ये सौरभ जोशी के पिताजी आ रहे हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं नीमा पांडे आज आप सभी के लिए और सबसे ज़्यादा अपने छोटे बेटे के लिए लेके आई हूँ सरप्राइज़। चलो देखते हैं कैसा वो सरप्राइज़ है। बहुत अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वैसा सरप्राइज़ है। ये सबसे ज़्यादा तो मेरे छोटे बेटे के लिए है ये सरप्राइज़, और फिर आप सब लोग भी देखेंगे कि मैं क्या सरप्राइज़ लेके आई हूँ। अगर वो पूरा हो गया तो, अभी उसमें बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी मैं जहां तक हो कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं उसको पूरा कर सकूं। चलो मिलते हैं सरप्राइज के साथ। गेट के चारों ओर का एरिया है, जैसा कि आपने सौरभ जोशी की हर वीडियो में देखा हुआ है। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ये इनके गार्ड साहब हैं, और ये है सोसाइटी का गेट। ये देखिए दोस्तों, ये है सौरभ जोशी की सोसाइटी का गेट, जैसा कि आपने उनकी हर वीडियो में देखा है। तो यही एक मेरा बड़ा सरप्राइज़ था अपने बेटे के लिए भी और आप सभी के लिए भी। ये देखिए, ये इनका गेट है। देखिए दोस्तों, मैंने जो अपने बेटे के लिए और आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ रखा था, वो है सौरभ जोशी के घर पहुंचने का, सौरभ जोशी से मिलने का। ये देखिए, इनकी थार खड़ी है और हम पहुँच चुके हैं इनके घर। ये देखिए, ये थार है और ये घर है, ये इनकी कॉलोनी है पूरी की पूरी। देखिए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए, अभी हम बाहर से भी दिखाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं सौरभ जोशी जी से। पर्व, तुम्हें सरप्राइज का पता लग गया? हाँ, पता लग गया। क्या है सरप्राइज? सौरभ दादा के वहाँ आए। खुश? क्या सोचा था आज सुबह जब सब उठे थे तो? ये सोचा था कि ऐसा होगा आज? खुश हो? कितने खुश हो बताओ? बहुत। बहुत कितना? बहुत खुश। चलो और पा घूमना जनसा बढ़िया है रो। देखिए दोस्तों, हम सभी सौरभ जोशी से मिलने के बाद आगे को जा रहे हैं। अभी उनके साथ थोड़ी सी वीडियो भी बनाएंगे, फोटो शूट हमारा हो चुका है, मिलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, हम सौरभ जोशी की सोसाइटी के अंदर हैं, अब बाहर जा रहे हैं। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लगा सौरभ जोशी से मिलके। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी देखिए, उनसे फोटोशूट किया है। अभी वो कहते हैं कि गेट के बाहर जाके वीडियो बनाएंगे आपके साथ, तो अभी हम वीडियो बनाते हैं। तो आज का सरप्राइज सबसे बेस्ट सरप्राइज हुआ, सबसे बेस्ट हम बेस्ट सरप्राइज। जैसे ही इसने देखा कि सौरभ जोशी की गाड़ी बाहर को आ रही है, तो ये खुश हो गया वीडियो बनाने के लिए उनके साथ, और बिल्कुल देखने लग गया है, क्योंकि अंदर फ़ोटो वोटो सब खींच लिया है, इसकी बातें सब हो चुकी हैं। लेकिन इससे बोला है कि वीडियो बाहर बनाएंगे सोसाइटी के, तो ये खुश है। पर वो खुश हो कि दोस्तों, सौरभ जी की गाड़ी आ चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल ये रुक गए हैं हमारे लिए, इनने बोला था वीडियो इनकी। ये देखिए मस्त तरीके से। तो गाइज ये फैमिली हमसे मिलने के लिए आई, काफ़ी अच्छा लगा। सॉरी आप, मैं थोड़ा लेट हो गया, बट हम एक्चुअली निकल रहे थे। आपका नाम क्या है? मेहनत करना, पढ़ाई भी करना और माता पिता का कहना मान, ठीक है? चलो डू सब्सक्राइब गाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे लिए इतना रुके, इतना अपना कीमती टाइम दिया, भगवान करे आपको और तरक्की, खूब आगे तक जाओ आप। शक्ल याद रखना गाइस, अगर आप मेरे थ्रू आ रहे हो तो शक्ल याद रखना, शॉर्ट्स भी बहुत इनकी वीडियो देखना, शॉर्ट्स देखना, सब देखना, ठीक है? बाय। देखिए इन लोगों को बहुत देर हो रही है और ये जा रहे हैं। कुछ बोलो आप, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ओके बाय, नमस्कार। हाँ, जा रहे हैं सब लोग। देखा दोस्तों, इसी के साथ मेरा सरप्राइज पूरा हुआ, जो मैंने अपने बेटे से और आप लोगों से वादा किया था कि सौरभ जोशी के वहाँ मिलने का। मैंने जैसे कि बताया नहीं था आपको, अब मैं बता रही हूँ। आपने पूरी वीडियो में देख भी लिया होगा कि मेरा सरप्राइज था इंडियाज नंबर वन ब्लॉगर मिस्टर सौरभ जोशी से मिलने का, जो मेरे बेटे का पिछले एक साल से सपना था। मैंने आज वो अपने बेटे का सपना भी पूरा किया कि उसको सौरभ जोशी से मिलाया, और इसने देखा, सौरभ जोशी से बातें की, उनके साथ वीडियो बनाई।
तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पे HP फैमिली।